कोरोना महामारी ने दुनिया भर में हाहाकार मचाया हुआ है और कोरोना वायरस की दूसरी लहर के चलते एक बार फिर गरीबों को रोजी रोटी के लाले पड़ते नजर आ रहे हैं। हम बात कर रहे हैं हरियाणा के चरखी दादरी जिले के कबीर नगर की, जहां पर कोरोना संक्रमण बढ़ने के चलते कबीर नगर के वार्ड नंबर 11 और 12 में जिला प्रशासन ने कंटेनमेंट जोन घोषित किया है। वार्ड की तमाम गलियां, चौराहों सहित सभी जगहों के रास्तों को बंद कर दिया गया है और रास्तों पर पुलिस के जवानों का कड़ा पहरा है, जिसके चलते इन दिनों वार्ड वासियों के सामने रोजी रोटी की समस्या आन पड़ी है, क्योंकि इन दोनों वार्डों में लगभग बाशिंदे रेहड़ी लगाने वाले, दिहाड़ी मजदूरी करने वाले और फेरी लगाने वाले गरीब लोग रहते हैं। अब ऐसे में कंटेनमेंट जोन के चलते उन्हें घर चलाना बेहद मुश्किल हो गया है। इसी समस्या को लेकर अब वार्ड के पार्षद ने सरकार से कंटेनमेंट जोन को हटाने की मांग उठाई है। हमारे वार्ड नंबर 11 के साथ लगता वार्ड नंबर 12 है, कबीर नगर का एरिया। कबीर नगर का क्षेत्र मेरे वार्ड नंबर 11 में भी आता है, तो इसलिए मैं एक बात कहना चाहूँगा कि वार्ड नंबर 12 के अंदर कुछ कोरोना पॉजिटिव आए हैं, उनका नाम भी हमारे को अभी नहीं पता है। सरकार ने पूरा वार्ड नंबर 12, 11 कंटेनमेंट जोन बना दिया, जो हमारे इसमें गरीब आदमी रहते हैं, हमारे को बड़ी समस्या होती है। गरीब लोगों को, कोई रेहड़ी चालक है, रिक्शा चालक है, उनको बड़ी भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मैं सरकार से एक बात कहना चाहूँगा, जो 7-8 जितने भी पेशेंट आए हैं उनको आइसोलेशन करे सरकार, और इनको रास्ता दे आने जाने के लिए। गरीब लोगों को ये ब्रैकेट हटवाए जाए, कंटेनमेंट जोन को ख़त्म किया जाए। उनको खाने पीने की बड़ी दिक्कत हो रही है गरीब लोगों को, तो मैं सरकार से निवेदन करता हूँ, उपायुक्त महोदय से भी, SP साहब से भी, भाई इस कंटेनमेंट जोन को हटा करके जो कोरोना पेशेंट हैं उन लोगों को आइसोलेट करें, क्योंकि गरीब लोग हैं, इनको भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हमारा जो 11 नंबर वार्ड है उसके अंदर कबीर नगर में कोई भी पेशेंट नहीं है, फिर भी उसको कंटेनमेंट जोन कर दिया गया। मैं सरकार से निवेदन करता हूँ कि जो पेशेंट हैं उनको ही आइसोलेशन करे, और सरकार उनकी निगरानी रखे, उनको खाने पीने का भी सामान पहुँचाए। बाकी जो मेरे से वार्ड के नाते जो कुछ बनेगा, मैं भी उन पेशेंटों की मदद करूँगा अपनी। वार्ड 11 से पार्षद विनोद वाल्मीकि ने सरकार से अपील की है कि कंटेनमेंट जोन में थोड़ी छूट दी जाए और इन वार्डों में आए कोरोना पॉजिटिव केसों को आइसोलेट किया जाए, ताकि इन वार्डों के लोग भी अपना काम करके अपना घर बार चला सकें। साथ ही उन्होंने बताया कि कंटेनमेंट जोन घोषित होने के बाद लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है और पुलिस का कड़ा पहरा रहता है। ऐसे में वार्ड पार्षद होने के नाते जिला प्रशासन से सभी अपील करता हूं कि कंटेनमेंट जोन को हटाया जाए और पॉजिटिव केसों को चिन्हित कर आइसोलेट किया जाए, ताकि किसी गरीब परिवार को कोई परेशानी झेलनी न पड़े। चरखी दादरी से नरेंद्र कुमार, पंजाब केसरी TV। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।